Hello students of class 8. In this video we will read chapter number 1 from Honeydew. It's second part. The chapter name is The Best Christmas Present in the World. Kiski baat ho rahi hai isme? Best Christmas Present ki. Okay? To humne padha tha ki ye jo letter jo isme diya hua hai wo kisko mila hai? Mrs. Jack जिम मैकफर्सन को मिला था, और जिसमें उनके हस्बैंड ने उनको लेटर लिखा था जो उनको 26 दिसंबर 1914 में लिखा गया था, और वो 1915 को उनको मिला. सो मूविंग अहेड, जो लेटर में लिखा था, क्या लिखा था, जब राइटर ने ये लेटर खोला, उनकी क्यूरियोसिटी ने उनको अंदर से जगाया कि इसमें क्या है, तो उन्होंने पढ़ा. डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, I write to you in a much happier frame of mind. ये जब लेटर मैं आपको लिख रहा हूँ तो उस वक्त मैं बहुत ही खुश हूँ, दिमागी तौर से बहुत खुश हूँ. Because something wonderful has just happened that I must tell. क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमसे क्या करूँ, शेयर करूँ, तुम्हें बताऊँ एक बार कि ऐसा क्या बहुत अच्छा हुआ. We were all standing too in our trenches. हम अपने trenches में खड़े हुए थे, ditches जो बनाए हुए थे ना soldiers ने, उस type के. Yesterday morning, यानी कि 25th December, क्योंकि ये letter कब लिखा गया है? 26 December, तो यानी कि ये बात हो रही है 25th December की, कि morning के time क्या हुआ? कुछ बहुत अच्छा हुआ, हम लोग अपने trenches में खड़े हुए थे. Christmas morning, और वो Christmas morning की बात है. It was crisp and quite all about, as beautiful a morning as I have ever seen. इतनी खूबसूरत, चिलचिलाहटी ठंड, ऐसी खूबसूरत मॉर्निंग जो मैंने कभी देखी नहीं थी. As cold and frosty as a Christmas morning should be, जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होनी ही चाहिए, ठंडी सी. I should like to be able to tell you that we began it. मुझे बताना होगा, मुझे बताना चाहिए कि that we began it, और हमने शुरू कर दिया. But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच भी है कि ये सब किसने शुरू किया? Fritz ने. यहाँ पे Fritz कौन है? A name for a German soldier. यहाँ पे जो German soldiers हैं उनको Fritz कहा गया है. First, someone saw a white flag waving from the trenches. पहले किसी ने देखा कि white flag क्या हो रहा है, हवा में वेव किया जा रहा है अपोजिट साइड से. Then they were calling out to us from across no man's land. तो सामने से आवाज आ रही है कि यह किसी का लैंड नहीं है, अपोजिट साइड से आ रही है हमें आवाज. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. तो सामने से अपोजिट फ्रिट्स वालों ने कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हम लोगों का. यहाँ पर टॉमी किसकी बात हुई है? इंग्लिश मैंस की, ब्रिटिश सोल्जर्स. जो आपके फ्रिट्स हैं वो आपके जर्मन सोल्जर होंगे, और जो आपके टॉमी हैं वो आपके ब्रिटिश होंगे, ठीक है? तो आपके फ्रिट्स वालों ने कहा, जर्मन वालों ने कहा ब्रिटिश वालों से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, Some of us shouted back. जब हमें ये सरप्राइज सामने से मिला तो हम सब वापस से शाउट किया, same to you Fritz. हम भी चिल्लाए कि आप लोग को भी, same to you. I thought that would be that. मैं हैरान था कि ये हो रहा है ऐसा कुछ. We all did. और हम सब ने कर भी दिया. But then suddenly, one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. उनमें से कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ grey coat का, और व्हाइट फ्लैग को वेव करता है. डोंट शूट लेड्स, उसने कहा कि गोलियां मत चलाना. समवन शाउटेड, उनमें से कोई चिल्लाया कि गोलियां मत चलाना. एंड नो वन डिड, और किसी ने चलाई भी नहीं. देन देयर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट, फिर से कोई एक और ट्रेंचेस पर खड़ा हुआ, और फिर से क्या हुआ, कोई फिट्स व्यक्ति खड़ा हो गया. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक But it wasn't. मैंने कहा कि अपने सर को नीचे कर लो, मुझे लगा कि ये कोई उनकी साजिश है, बट वो ऐसी कुछ भी साजिश नहीं थी. One of the Germans was waving a bottle above his head. उनमें से कोई एक व्यक्ति फ्रिट्ज वाली साइड से, अपोजिट साइड से क्या कर रहा था,
वेविंग अ बॉटल अबव हिज, अपने सर के ऊपर क्या हिला रहा था, बॉटल हिला रहा था। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, तो उधर से वो चिल्लाया कि आज क्या है, क्रिसमस डे है, वी हैव स्नैप्स, हमें क्या करना चाहिए, स्नैप्स लेना चाहिए। स्नैप्स क्या है यहाँ पर, ड्रिंक है जो किससे बनी हुई, ग्रेन्स से। वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस हमें नहीं, आपको नहीं लगता कि हमें क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और वो बहुत सारे लोग, दर्जन भर लोग वहाँ से सामने से चलकर आ रहे थे। कौन से वाले एरिया पे, नो मैंस लैंड, जहाँ पर जो लैंड वाला एरिया था वो किसी का नहीं होता, वो उस वाले एरिया पर चलकर आ रहे थे। उनके पास ना राइफल थी ना कुछ था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उनमें से क्या एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मॉरिस, ठीक है। कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, किस बात का इंतजार कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर कोई उन्हें रोकने वाला था भी नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं तो ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे वहाँ पे उन्हें रोक देना चाहिए था उसी वक्त, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, मुझे रोकना चाहिए था ना, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उन्हें रोक पाऊँ, ना मैंने उन्हें रोका। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्ट्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, हम लोगों के आपस के बीच की जो लाइन थी, हम सब क्या कर रहे थे, उनके लोग भी और हमारे लोग भी क्या कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ को मुड़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और बीचों बीच क्या, ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मिल रहे थे। ग्रे कोट्स कौन है यहाँ पर, फ्रिट्ज हैं जर्मन वाले, और खाकी कोट्स कौन है, ब्रिटिश। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के दौरान क्या, हम एक शांति का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच, मैं इमेजिन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो प्रिया कोनी की मेरी फीलिंग्स। आई लुकड इन टू द आईज, मैंने उन लोगों की आईज में देखा, उस फिट्स ऑफिसर में जो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। हैंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, उसने बड़े ही प्यार से, गर्माहट के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ा। आई एम फ्रॉम डिजलडर्फ, उसने बोला कि मैं कहाँ से हूँ, डिजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाया करता था, सेलो, इट्स लाइक अ लार्ज वायलिन, ओके। हैप्पी क्रिसमस, तो वो बोला हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि मैं जिम मैकफर्सन कैप्टन हूँ, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैंने भी उसको क्रिसमस विश किया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं डॉरसेट से क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट हिस्से से। अह डॉरसेट, इज स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया मेरा एरिया के नाम लेकर। आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ इस जगह को, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रूम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने क्या किया, सब कुछ शेयर किया, सॉसेजेस, ठीक है। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें भी की, कोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन जब बातों बातों में पता चला कि वो तो कभी डॉरसेट में उसने अपना कदम रखा भी नहीं है, वो कभी आया भी नहीं, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड आया ही भी नहीं था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी कुछ सीखा इंग्लैंड के रिलेटेड वो उसने स्कूल से सीखा, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश बुक्स की रीडिंग करके उसने सब कुछ सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेमस राइटर थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉरसेट, और हमने इन सब चीज़ों के बारे में आपस में बातें की नो मैन्स लैंड पर खड़े होके। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसका उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, 6 महीने पहले ही वो पैदा हुआ था उसका बेटा। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, अगर मैं अपनी तरफ देखूँ तो मैंने देखा बहुत सारे क्या है, खाकी और ग्रे कोट्स हर जगह फैले हुए हैं, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, किस एरिया में, नो मैंस लैंड पर, जिस पर किसी का भी
हक नहीं होता वो उस एरिया में। कोई स्मोक कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई ईट कर रहा है। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। मैंने और हैंस वुल्फ ने क्या तुम्हारे वंडरफुल केक के बारे में भी डिस्कस किया? कोनी, मैंने उसे बताया कि तुम कितना अच्छा केक बनाती हो। ही थॉट दैट मर्जीफन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो सोचता था कि मर्जीफन जो है सबसे बेस्ट है जो उसने टेस्ट किया हो। मैंने कहा हाँ आई एग्रीड, मैंने भी एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग, हमने एक दूसरे की बातों के लिए हमेशा एग्री किया। एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि वो तो मेरा एनिमी भी था। एंड देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ऐसी पार्टी तो कभी हुई भी नहीं थी कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, पता नहीं अचानक से फिर कोई क्या लेकर आया, फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, वो लोग गड्ढों में कूदे और उन्होंने गोल पोस्ट बनाए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। फिर क्या हुआ, नो मैंस लैंड पर टॉमी और फिट्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे खेलने के लिए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने एक दूसरे की तरफ देखा और चीयर अप करने लगे, तालियां बजाई एंड स्टैम्पिंग आर फीट, अपनी फीट्स पे स्टैम्प अप किया टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। ठंड को क्या एक्साइट करते हुए हमने ये सब इंजॉय किया। देयर वॉज अ मोमेंट, ऐसा पल भी आया व्हेन आई नोटिस आर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मैंने ऐसा वक्त भी आया जब हमारी एक दूसरे की सांसें हवा में एक साथ उड़ रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी देखा और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद उसने फिर कहा, जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी जो युद्ध है वो इस तरह से क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, किस तरह, एक फुटबॉल मैच के थ्रू। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी नहीं मरेगा फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम वीडोज़, कोई भी बीवी, कोई भी वाइफ, कोई भी पत्नी वो विधवा नहीं बनेगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने क्या कहा कि क्रिकेट होना चाहिए। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो मैंने कहा कि अगर क्रिकेट होगा तो हम टॉमीज लोग जीत जाएंगे। वी लाव्ड एट दैट, और हम लोग इस बात पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और एक साथ मिलकर गेम देखने लगे। सैड टू से, दुख से कहना होगा, कोनी की फिट्स वोन 2-1 कि जो हमारे अपोजिट वाले थे, जर्मन वाले थे, वो जीत गए 2 से। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, हैंस वुल्फ ने बड़े विनम्रता के साथ कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉजन क्वाइट फेयर। हमारा जो पाथ है वो क्या है, आपके गोल से ज़्यादा चौड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ आपके साथ क्या फेयर हुआ है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, वह वक्त भी आया जब जल्द ही गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ खाया पिया और सब फिनिश हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने उसको विश किया हैंस को और कहा कि तुम जल्द ही अपनी फैमिली से मिलो, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड गो ऑल होम, और मैंने उसको विश किया कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो और हम सब अपने घर जाएं। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि हर सोल्जर यही चाहता है कि वो जल्द जल्द ये लड़ाई ख़त्म हो। ऑन बोथ साइड्स हैंस वुल्फ सेड टेक केयर, हैंस वुल्फ ने भी कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं इस पल को भूलूंगा ना तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, आई फेल्ट वो मेरी मुझे उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे से वहाँ से चला गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका मन ना हो जाने का, मुझे ऐसा लगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और सब धीरे धीरे वहाँ से ग्रे कोटेड लोग जो थे वो सब अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल, और उस रात हमने सुना कि वो लोग जब वापस अपने डग्स में चले गए, अपने शेल्टर्स में चले गए, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, कैरोल्स गा रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नैच साइलेंट नाइट, क्या गाना था वो, स्टिल ए नैच साइलेंट नाइट आर बॉयज गेव दैम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, और हमारे
जो बॉयज़ थे, सोल्जर्स थे, वो भी उनको एक तरह से दूर से बैठे बैठे सपोर्ट कर रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कुछ देर तक हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर गाया अपने अपने शेल्टर्स से, और फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो गए। वी हैड हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हम दोनों सोल्जर्स ने, हम सब सोल्जर्स ने मिलकर जो टाइम बिताया बहुत प्यार से, शांतिपूर्वक, ये जो समय है मैं इसको ज़िंदगी भर जीऊँगा। आई विल ट्रेजर एज जब तक जीऊँगा तब तक इस पल को हमेशा जीऊँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग। डियरेस्ट कोनी, ये जो क्रिसमस वॉर है अगले साल तक, नेक्स्ट क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगी। बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शेल बी टूगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। तो जिम मैकफर्सन ने इसमें क्या कहा अपनी वाइफ से कि युद्ध तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने इंजॉय किया, ये जो पल्स हमने हमने पल को शेयर किया हम आर्मीज ने, ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। एंड वी शेल बी टुगेदर अगेन सुन, और हम जल्दी सब एक साथ होंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ इट। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।